हेलो दोस्त नमस्ते। आज हम गया जिला में आए हुए हैं और तो देखते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे लोग जो है ना एकदम जमावड़ा की तरह लगाए हुए हैं, ढेर सारे भीड़ है। तो चलते हैं लोग से जो है ना इसके विषय में जानकारी लेते हैं कि वो मतलब कितना खुश है इनसे। जी नमस्ते, आप लोग ये नामांकन में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। किनके नामांकन में जा रहे हैं? यहाँ इमामगंज के धन सुराज के प्रत्याशी हैं श्री जितेंद्र पासवान जी, जो बच्चा के डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी हैं। तो आज कैसा फील हो रहा है? आज तो ऐसा फील हो रहा है कि इस क्षेत्र के ये लोगों में एक उत्साह है कि भाई बिहार का परिवर्तन का एक लहर चल रहा है, जात धर्म से ऊपर उठ करके लोग हर दल हर पार्टी से आ रहे हैं। बहुत खुशी है और यहाँ के लोग मतलब इनको चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं। अगर नहीं चाहते तो ये इतना भीड़ कैसे होता? तो देख पा रहे हैं दोस्त कि काफ़ी जो है ना उत्साह सभी के अंदर में है और ये देख रहे हैं काफ़ी भीड़, ये देख रहे हैं पूरा गाड़ी का जो है ना काफिला लगा हुआ है चारों तरफ। अब कहाँ से हैं सर? मैं बिल्टू सैनी, जिला अध्यक्ष जन सुराज परिवार दरभंगा, जो मिथिलांचल के धरती के रूप में हृदय स्थली है वह दरभंगा जिला से मैं आया हूँ। और आज मैं बिहार में जो चार जगह उपचुनाव हो रहा है, पूरे बिहार के लोग प्रत्येक जिला से कई टीम बना करके इस चारों उपचुनाव में जन सुराज के लिए काम करने के लिए आया है। और उसी क्रम में हम सौ का लगभग में 20 टीम दरभंगा से आपको इस चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आया है। और चुनाव प्रचार सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नहीं, जन सुराज का जो अभियान है, जन सुराज का जो एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जनता के बीच पहुंचाने के लिए, एक एक घरों में पहुंचाने के लिए हम लोग आज आए हैं। और आज चूंकि हमारा एक नॉमिनेशन का कार्यक्रम है, नॉमिनेशन के बाद पुनः हम लोग एक एक घरों में जाकर के जन सुराज के अभियान को लेकर के जाएंगे। और जैसा एक माहौल बना हुआ है बिहार में, एक उत्साह बना हुआ है कि तीसरे विकल्प के रूप में आज कोई पार्टी नहीं थी, जन सुराज तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में आएंगे और 2025 में निश्चित रूप में जन सुराज की सरकार बनेगी, वह अपने बदौलत बनेगी। वो तो 2025 की और ये 2024 में उपचुनाव में जो आए हैं, क्या लगता है ये सीट निकाल पाएंगे? चार का चारों विधानसभा उपचुनाव जीत करके आएंगे। क्योंकि मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जानकारी कर दूं, मीडिया के माध्यम से मैं कह दूं कि अभी तक जो हमारा रूलिंग पार्टी वह एनडीए हो या महागठबंधन के लोग हो, वह सिर्फ परिवारवाद को प्राथमिकता दिए हैं। क्या बिहार के इतने करोड़ आबादी के बीच उन्हीं का परिवार महसूस हो रहा है? उनका भाई हो, भतीजा हो, पत्नी हो, बेटे हो, वह दूसरा जनता उनके झोला ढोलने के लिए काम करते हैं, परिवारवाद समाप्त नहीं हो रहा। जन सुराज एक ऐसा पार्टी है जिसने परिवारवाद को समाप्त कर वैसे उम्मीदवार को इसमें लाने का काम किया है जो वास्तव में कल के डेट में आपके समाज के लिए समर्पित होकर काम करें और बिहार के बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए सबसे आगे बढ़कर काम करें। जय जय बिहार। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार झा है, जहाँ से हम दरभंगा से आए हैं और जिला का उपाध्यक्ष है। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये उपाध्यक्ष जी हैं। हम लोग करीब 20 आदमी का टीम आए हैं इमामगंज में और डॉक्टर साहब जितेंद्र प्रसाद पासवान जो हैं उनके चुनाव प्रचार में हम लोग आए हैं। हम लोग का यही सोच है जो ये चार जो उपचुनाव हुआ है, ये उपचुनाव जो हो रहा है उसमें हमारा चारों प्रत्याशी जन सुराज का अधिक से अधिक संख्या में जीत के और विधानसभा में जाए। हम लोग एक विशाल कैंप करेंगे और आने वाले 2025 के चुनाव में एक ऐसा धमाका एंट्री देंगे जो लगेगा बिहार विधानसभा में एक सख्त सभी प्रत्याशी आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ जो है ना घूमे हैं, हम लोग देखे हैं काफ़ी समस्या, क्या लगता है कि ये समस्या ठीक प्रशांत जी कर देंगे? सर आपके माध्यम से मैं यह जानकारी कर दूं कि आज तक हमारा जो भी पार्टी की सरकार बनी है, एक एक कस्बा में उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ। लेकिन जन सुराज के बारे में आपको जानते होंगे कि विगत 2.5 साल से एक पंचायत में 5-5, 10-10, 20-20 लड़का जन समस्या पर वो नोट करते हैं। वास्तव में लोगों की भौतिक क्या समस्या है और उस भौतिक समस्या को हम लोग स्टेट कार्यालय में भेजने का काम करते हैं। और प्रशांत किशोर जी वास्तव में रणनीतिकार, राजनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं और वह केंद्र बिंदु बना हुआ है। वह आम आवाम की समस्या के लिए 24 घंटा दिन रात एक करने का काम करते हैं। एकदम भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, यदि आप इतने 50 वर्षों के शासन में कई पार्टियों को देखने का काम किए तो सिर्फ एक चांस जन सुराज को अपना करके देख लीजिए, वास्तव में बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करके वो छोड़ेंगे, तभी वो सांस की चल लेंगे। तो आइए फिर जो है ना नेक्स्ट जी, आप कहाँ से? हमारा नाम गंगा केवट है, हम कठार से आए हुए हैं। और माननीय शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे जितेंद्र पासवान जी के नामांकन में हम जा रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं गयावासी के इमामगंज की जनता को
तो इतने परिवर्तन की लहर उनके दिल और दिमाग में बैठा कि जब तक जितेंद्र पासवान जी जीतेंगे नहीं तब तक इन लोगों जो है परिवारवाद में ये लोग उलझे रहेंगे और गरीब गुरबा मजदूर किसान लोगों का कभी भला नहीं कर सकते हैं। ये लोग को दिल में ये बैठा है कि हम लोग का इमामगंज की जनता को कैसे विकास हो और ये जो है जनस्वराज के माध्यम से ही माननीय प्रशांत किशोर जी के जो योजनाबद्ध जो तरीका से जो कार्य होगा यहाँ की जनता खुशहाल रहेगी, इसलिए यहाँ की जनता उत्साहित है।